स्पेशल लिव इन कॉन्डम्स, नाइजीरिया की स्पेशल 400 TCM पॉलिस्टर का बना हुआ। इसको आपको उतारने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या पता मौका कब हाथ लग जाए। ये अपने आप को आपके साइज के अनुसार एडजस्ट करता है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर आपका सैनिक आपकी सेवा में तैयार मिले। लिव इन कॉन्डम्स, पहन के रखना उतारना नहीं। वेलकम बैक, आई एम स्टिल विद डी, अ मैन हु इज नॉट रेडी टू गिव आंसर्स, बट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आंसर्स फ्रॉम हिम। सर, टेल मी समथिंग अबाउट योर जर्नी फ्रॉम मुंबई टू हियर। मुंबई नहीं, ओके श्योर। याद आया, वो कल ही फोन आया था, 3 दिन से पानी नहीं है मेरे मोहल्ले में, इतना सा काम नहीं होता तुम लोगों से। मिस्टर डी, लेट मी रिमाइंड यू, आई एम नॉट इन म्यूनिसिपैलिटी। याद आ गया तो मैं ही करा देता हूँ, वो गए थे उनको फोन लगा, अभी दिखाता हूँ म्यूनिसिपैलिटी क्या होती है। हाँ गाय तोंडे, सलाम भाई, क्या हाल है भाई? सब ठीक है। हाँ सलाम सलाम, वो सब ठीक है। अच्छा सुन, डोंगरी में 3 दिन से पानी नहीं है, जल्दी से टैंकर भिजवाओ उधर। हाँ, और दोबारा फोन नहीं करूँगा मैं। हाँ भाई अर्नब बोलो। मिस्टर डी, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, टेल मी समथिंग अबाउट योर जर्नी फ्रॉम टू हियर। भाई देख, डोंगरी ने मुझे बड़ा किया, मुसाफिर खाने ने मुझे पाला, वडाला और मनीष मार्केट ने मुझे डॉन बनाया, तेरी सरकार ने मुझे तड़ी पार कर दिया, बस इतना सा सफर है। और यहाँ इस जगह आप कैसे पहुंचे? यहाँ मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, पूछ क्यों? क्यों? कराची में मुझे की खुशबू आती है। चलिए, खुशबू की बात हो रही है, वुड यू वांट टू से समथिंग अबाउट 93 ब्लास्ट्स? वहां मत जा, वरना इंटरव्यू वैसा हो जाएगा। मिस्टर डी, मेरा काम है वहां जाना। I'm also a service provider like you. I deliver truth. तो truth कहीं और जाके ढूंढ, यहाँ truth नहीं है इस बारे में। तो आपको कुछ नहीं कहना है? अचानक से remote की battery कैसे down हो गई? भाई अर्नब, बचपन में मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि अगर किसी ने अपना मन बना ही लिया है तो उसे समझाने के लिए वक्त जाया नहीं करते। ठीक है चलिए, आप नहीं बताएंगे तो मैं ही पूछ लेता हूँ, क्या 93 ब्लास्ट में आपका हाथ था? नो no. सिर्फ नहीं, अ प्लेन नो। हाँ तो क्या, इसके ऊपर मैं 3.5 मिनट का भाषण दूं तेरे को? What rubbish is this? एविडेंस से साफ पता चलता है कि आपने बॉम्ब सप्लाई किए थे। हाँ किए थे, मैं कब कह रहा हूँ मैंने नहीं किए थे। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आपका हाथ नहीं था। भाई मेरे जो बम पटाखे चलते हैं वो सारे मैं ही सप्लाई करता हूँ, और टीम में बाकायदा पटाखों की फैक्ट्री है मेरी। So you're actually saying that you own a fireworks factory in India? हाँ। If you don't mind, आप उस कंपनी का नाम बता सकते हैं? फिर डिटेल में घुस रहा है। वो क्या बोला था तूने कि मैं ड्रग्स का क्या हूँ? डोमिनोज। डोमिनोज, तो अब ये समझ ले कि मैं बम का भी बिग बाजार हूँ। चलिए आपके ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स की बात करते हैं, हैं? मतलब आपके बिजनेस को रन करने में जो प्रॉब्लम्स आती है उनकी बात करते हैं। ये बम के बिजनेस में प्रॉब्लम तो बहुत होती होंगी ना? हाँ, प्रॉब्लम से मुझे याद आ गया, अभी कल ही अलकायदा वालों का फोन आया था, वो कह रहे थे कि दिल्ली में एक सुसाइड बम्बर लड़की भेजी थी, वो बेचारी पेट्रोल पंप के पास से गुजर रही थी, 4 लड़कों ने उसे देखा, अपना हक समझा कर दिया। अब बताओ, ये दिल्ली में ऑफिशियल स्पोर्ट डिक्लेयर कर रखा है क्या? आप वो प्लीज वो सुसाइड बॉम्बर वाली बात को इलैबोरेट कर सकते हैं? मुद्दे से भटक मत, पॉइंट ये है कि तुम्हारी कंट्री में एक शरीफ लड़की इत्मीनान से अपना काम भी नहीं कर सकती यार। मैं मानता हूं, बट आपकी सो कॉल्ड वो मासूम लड़की भी वहां कोई कैंडल मार्च करने नहीं गई थी। खैर छोड़िए, लेट्स जस्ट मूव ऑन। आपकी और कौन सी प्रॉब्लम्स है? एट्रिशन। वाह, अनरिजॉल्व फादर इश्यूज समझ में नहीं आते, एट्रिशन का पता है? कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं, नथिंग, यू कैरी ऑन। पिछले 2 महीने में मेरे 200 लोग काम छोड़ के जा चुके हैं। कमाल है, मैंने तो सुना था कि डॉन की नौकरी को छोड़ ही नहीं सकता। खैर सुना तो सही है, लेकिन वो तुम्हारा बाबा है ना, वो हम 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 ये करता रहता है, वो तो उसको धमकाने के लिए भेजा था, तो 3 दिन वो उसके कैंप में रहे, बोले अब वापस ही नहीं आ रहे। उनकी देखा देखी ये पैसे भी कुछ लोग वहां चले गए। वो क्या SMS आया था? पैसे गिरधारी बता जरा।
भाई हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, ये ऐसे में सारे हैं, क्या करें। बम है किधर, कहाँ भाई, लाऊं क्या? बम है। अरे कहाँ खो गया, आगे पूछ। रिपोर्टर? रिपोर्टर नहीं, सीनियर एडिटर। क्या फर्क है दोनों में? वही जो गैंगस्टर और डॉन में होता है। On this note, let's take a short break. I'm still sitting with the most wanted man on the planet. And believe me, things are going to get a lot more interesting. Don't go away. La pain la bhai ke liye. Main aapko check karta hu. Please. I was saying inhi ko de raha hu. So, Farazi. Ajeeb type ke aadmi ho yaar. Hmm? Happy. Thank you. रे, क्या हुआ? ये बड़े लोग भी कितने कंजूस होते हैं। 2 घंटे भीख मांगने के बाद ये मिली और उसमें भी चीनी नहीं डाली। क्या बात कर रहा है, इसमें चीनी नहीं है, अब क्या करें? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या? सोचना पड़ेगा, रुक। आइडिया आया, वो भी सोचना पड़ेगा। भाई एक बात बताओ, कब से ये आइडिया मेरे दिमाग में गुटरगू कर रहा था, पर साला जुबान में नहीं आया। अबे संगत का असर है। ये क्या दे दिया? क्या है ना, एक दुर्योधन के बाद ना आप ही हैं जिसने चीरहरण किया है। चीरहरण क्या होता है? ये चीरहरण मतलब किसी को जिस्मानी तौर पर नंगा करना। किसी और तौर पे भी नंगा करते हैं क्या? हाँ भाई, करते हैं। कौन सा? रूहानी तौर पे। हाय, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो यहीं के हो गए? हो गए क्या, हूँ मैं ही। फैसलाबाद में पैदा हुआ था। अच्छा, आपको डी के यहाँ काम करने में गिल्ट नहीं होता? हाँ, मतलब जो आप कह रहे हैं उसमें आपका कन्विक्शन नजर नहीं आ रहा। ये क्या होता है, मतलब सच्चे दिल से नहीं कह रहे हैं जो आप कहना चाहते हैं? अच्छा अच्छा भाई, सब क्या है, कुंवारा हूँ ना, तो दिल विल की बात। वैसे मेरा नाम गिरधारी की जगह गफूर होता तो भी आप ये सवाल पूछते, ये गिल्ट वाला। नंबर चाहिए? नहीं, मेरा कॉल आया। एक्सक्यूज मी। यस सर। कम ऑन अर्नब, ही इज किलिंग यू आउट देयर। तुम वहां सवाल पूछने गए जवाब देने? जस्ट फ्रिकिंग किक हिम द गट्स मैन। तुम्हें पता है पब्लिक का रिएक्शन क्या चल रहा है? You are trending globally on Twitter with the hashtag National Hero. Do you know what that means? जितना मैंने सोचा था ना, ये उससे ज़्यादा होशियार है। But don't worry, अभी interval हुआ है, okay? I'll take care. Yeah. I think we are missing an opportunity here. हम इस century का सबसे बड़ा interview कर रहे हैं। Do you understand? This is Arnab versus D. All right then, 3, 2, 1, going live. Welcome back to the most exciting part of the interview, the rapid fire. हाँ, ये तो मेरा favorite है। नहीं सर, ये वाला नहीं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, वो जिसमें आप सवाल पे सवाल पूछते हैं और जवाब देने वाला जल्दबाजी में कुछ भी बक देता है, वही ना? Yeah, exactly, exactly. तो आगे बढ़े? आगे तू बढ़, मैं तो यहीं से बोलूंगा। इस राउंड में 1 मिनट में आपसे मैं 5 सवाल पूछूंगा, आपको उनका जल्दी जल्दी जवाब देना है। पहला सवाल, अगर आपको एक आइलैंड पे अकेला छोड़ दिया जाए 1 हफ्ते के लिए, तो किसको अपने साथ ले जाना चाहेंगे? कोई भी चलेगा। कोई भी चलेगा मतलब? क्योंकि कोई भी मेरे साथ जाएगा हफ्ते भर बाद तो मैं ही जिंदा बचूंगा। US प्रेसिडेंट, पाकिस्तान PM और इंडिया PM में से किसी एक से मिलने का मौका मिले तो किसके साथ मिलना चाहेंगे आप? देख, इंडिया वाला तो मुझे पसंद नहीं है, US वाले की मुझसे फटती है, और रही बात पाकिस्तान वाले की, तो आए दिन यही पड़ा रहता है, 10 मिनट रुक जा, तेरे से भी मिलवा दूंगा। विराट या शाहिद? जो पैसे ले ले।
AK-47 या AK-56? दिमाग सबसे खतरनाक है। नजरीना या गीतिका? दोनों। दोनों नहीं, एक ही आपको चूज करनी। दोनों यहाँ आके जा चुकी हैं। ओके, इफ देयर इज अ बायोपिक ऑन डी, हु वुड यू वांट टू प्ले योर रोल? शशि कपूर। शशि कपूर साहब, व्हाई? क्योंकि बंगला, गाड़ी, पैसा तो मेरे पास भी है, लेकिन माँ आज तक उसी के पास है। ओके, ब्लैक मनी या व्हाइट मनी? ए यार, तुम लोगों की तरह रेसिस्ट नहीं हूं मैं, काला सफेद सब बराबर है मेरे लिए। अगर आप अपनी लाइफ में एक चीज बदलना चाहें तो वो क्या होगी? मैं डोंगरी की बजाय कोलाबा में पैदा होना चाहूंगा, उसके बाद तो जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। I have to say, Mr. D, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, बहुत frankly। ये छोड़, हैम्पर कहाँ है? कौन सा हैम्पर? नहीं, वो रैपिड फायर के बाद तुम लोग देते हो ना वैसा बड़ा सा हैम्पर। उसकी कोई बात नहीं की थी हमने। क्या बात नहीं हुई थी हैम्पर की? गिफ्ट रैपिड फायर के बाद हैम्पर मिलता है, सब जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? किधर है? सर, हम आपको इंडिया पहुंच के डिलीवर करवा देंगे। अच्छा, आगे पूछ, जल्दी कर, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, चल। तो मिस्टर डी, ये हमारा लाइव ऑडियंस सेगमेंट है, इसमें मुंबई स्टूडियो में हमारे 3 लोगों का पैनल बैठा हुआ है, वो आपसे डायरेक्ट सवाल करेंगे। सबसे पहले रोहित शुक्ला फ्रॉम JNU। रोहित, आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। मिस्टर डी, अभी तक के आपके रिस्पॉन्स से ये लगता है कि दैट यू डोंट हैव एनी इलीगल बिजनेस, और आज तक आपने कोई कानून भी नहीं तोड़ा। प्रैक्टिकली वेरी हार्ड टू बिलीव। लुक कर लो बात, मैंने ऐसा कब कहा जनाब? No, Mr. D, we can have a rerun of the interview. हम आपसे पूछ कुछ रहे हैं, आप जवाब कुछ दे रहे हैं, मतलब मैं आपके इंटरव्यू की जगह छोटा भीम का इंटरव्यू चला दूं तब भी सेम ही लगेगा। अच्छा? Yes! मैंने इतने कानून तोड़े हैं जिसकी गिनती नहीं है। Now we are talking. Tell us more, please. मैंने 3 साल से सर्विस टैक्स नहीं भरा। तो आपका मतलब इससे बड़ा कानून आपने नहीं तोड़ा? अरे यार भाई, आप ही ने तो कहा था फैमिली शो है, सेंसर करके चलना। Our next question is from Mr. Vijay Chakravarti, who is our special guest tonight from External Affairs Ministry. Can you tell us, Mr. D, कि आप citizen किस देश का है? इसको आप सेंसर मत कीजिए, ये मैं संभाल लूंगा। ये ले। ये है मेरी सिटीजनशिप का प्रूफ, तुझे जो ज्यादा कंट्रोवर्शियल लगे उसको रख ले। What the hell? What is this? ये 192 देशों के पासपोर्ट हैं। तो यू वांट टू से के आप पूरी दुनिया के सिटीजन हैं? अरे नहीं यार, अभी 4 बाकी हैं। गिरधारी, क्या हुआ उन 4 देशों का? भाई वो अप्लाई कर दिया, 4 दिनों में आ जाएगा बन के। अबे तत्काल में बनाए होंगे इसने। बंदूक की दुकान वाला है ना। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस नेहा, हु इज आवर एस न्यूज़ राइटर। हाय मिस्टर डी। जी। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर फीमेल ऑडियंस। आप हमेशा मुझे क्यों रखते हैं, और व्हाट इज दिस फैसिनेशन विद द सेम ब्रांड ऑफ सनग्लासेस? मूंछ क्यों रखता हूं? एक कैरेक्टर मिलता है, अब पूंछ रख नहीं सकता इसलिए मूंछ रख लेता हूं। और बिना मूछ का आदमी मुझे ऐसा लगता है जैसे सड़क पर नंगा खड़ा हो कोई। और रही बात सनग्लासेस की, तो मुझसे रिलेटेड सारी चीजें वर्ल्ड में बैन है, तो मेरे ग्लासेस भी रे बैन ही होंगे ना। अ बिग थैंक्स टू आवर पैनल इन मुंबई एंड टू नेहा। सर, वर्ल्ड से याद आया, ऐसा रूमर है कि ओसामा किलिंग्स के बारे में आपको पहले से पता था। पता था? मेरे लड़कों ने टपकाया उसको। इतना बड़ा मजाक आपकी मूछों पे सूट नहीं करता। अर्नमिया, सच कह रहा हूं, प्रोटेक्शन मनी की EMI 3 महीने से उसने भरी नहीं थी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। कमाल की बात कर रहे हैं आप, US ने इतना बड़ा कॉवर्ट ऑपरेशन किया, मूवी तक बनी है उस पे। मूवी तो जुरासिक पार्क पे भी बनी है, मगर वो सच थोड़ी है। So you're saying कि US का इतना बड़ा ऑपरेशन सिर्फ एक वीडियो गेम था, is that what you're saying? अरे मेरे भाई, ऑपरेशन कोई भी करे, लेकिन कमांडो यूनिफॉर्म के पीछे किसके लोग हैं तेरे को क्या पता? Wow, it's very hard to tell कि ये fact है या fiction. 93 ब्लास्ट के बारे में भी यही बात है, किसी को नहीं पता वो फैक्ट है कि फिक्शन है। On that note, we take a short break. We'll be back with our final leg of the interview.
हेलो, वहाँ सब ठीक है? यहाँ सब ठीक है, पर तुम क्या कर रहे हो यार? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, यही तो प्रॉब्लम है। मैंने लाइव टीवी पर कोर्ट मार्शल कर देने वाले आदमी से शादी की थी, किसी ऐसे आदमी से नहीं जो किसी गुंडे से डर जाए। वरना तुम्हें क्या लगता है मेरे जैसी क्राइम रिपोर्टर तुमसे शादी करती क्या? कहना क्या चाहती हो बोलो ना। लिसन, इट माइट साउंड चीज़ी राइट नाउ टू यू, बट यू डू रिमेंबर आवर जर्नलिज्म ओथ, राइट? दैट वी विल अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ दिस कंट्री एंड इट्स मीडिया कम व्हाट मे। हां, थोड़ा चीज़ी और प्रीची है, यू राइट। शट अप यार अर्नब, दिस इज नॉट अ जोक। यू आर ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ नेशनल हीरो यार। कितने लोगों को ये चांस मिलता है? सोशल मीडिया इज गोइंग बिजर्क। डू यू रियलाइज द ग्रेविटी? वो रहा होगा कहीं का गुंडा यार, हमको क्या करना है? मगर आज इंडियन मीडिया के सबसे बड़े गुंडे तुम हो, जस्ट रिमेंबर दैट। एंड दिस इज नॉट जस्ट एन इंटरव्यू एनीमोर टू सेव योर जॉब। ये डी का वो ट्रायल है जो 22 साल से कोर्ट में नहीं हुआ। एंड इट डजंट मैटर इफ इट्स अ मीडिया ट्रायल। वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस अर्नब। एंड इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस, सो यू डोंट वरी अबाउट मी। I'm fine. और वैसे भी मैंने पुलिस को टेक्स्ट कर दिया है। So you just go out there and grab him by his freaking balls.